तो आइए दोस्तों, लेट अस टॉक अ फ्यू क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म्स. तो लेट अस बिगिन विद दिस क्वेश्चन. और क्वेश्चन है हमने फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन of a line passing through 1, 2, making an angle of 45 degrees. With the line 2x plus 3y equal to 10. ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं. एक लाइन की इक्वेशन निकाल ली है जो 1, 2 से पास करेगी, 45 डिग्री का एंगल बनाएगी इस लाइन के साथ में. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस. तो आंसर क्या है इसका? आइए, एक लाइन जो कि 1, 2 से पास कर रही है, ठीक है, लेट अस सी, ये लाइन 1, 2 से पास कर रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है इस लाइन के साथ में. मान लो ये एंगल 45 डिग्री का है और इस लाइन की इक्वेशन है 2x plus 3y equal to 10. ठीक है ना, ये गिवन है. अब लेट अस से ये लाइन की स्लोप m1 है जो रिक्वायर्ड लाइन है और इसकी स्लोप m2 है. m2 कितना आ रहा है, इसको कैसे लिख दो, y इज इक्वल्स टू माइनस का 2x बाय 3 और प्लस का 10 डिवाइडेड बाय 3, ऐसा लिख दो, 10 माइनस का 2x होल अपॉन 3, सही है ना. तो m2 कितना आ गया, माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3 आ गया. अब ध्यान से देखें एक चीज, और एक डायग्रामेटिकली अगर देखूं तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इस एंगल को 45 की बजाय ये एंगल मैं लिख दे रहा हूँ 45, विच लुक्स टू बी 45 डिग्री. ठीक है, एक लाइन की इक्वेशन, ये L1 लाइन है आपके पास, द वन विच इज रिक्वायर्ड एंड द वन विच इज गिवन इज लेट अस से उसका नाम L2 है. ठीक है ना, L1 लाइन की इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट और एक स्लोप चाहिए होता है, यानी L1 लाइन की इक्वेशन y-2 / x-1 इज इक्वल्स टू m1 हो जाएगी. अगर m1 आ गया तो बन जाएगी बात. अब m1 निकालने के लिए इन दो लाइंस के बीच में एंगल 45 डिग्री है, तो tan ऑफ 45 डिग्री इज मॉडुलस ऑफ m1 - m2, यानी +2/3 हो जाएगा, है ना, m2 तो -2/3 है, m1 - m2 होल अपॉन 1 + m1 m2, यानी 1 - 2/3 of m1, और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती, तो यानी यहाँ से आपके पास m1 + 2/3 upon 1 - 2/3 of m1 की वैल्यू ±1 आ जाएगी, क्योंकि मॉड एक बार 1 से ओपन होगा और एक बार -1 से ओपन होगा, सही है. तो m1 + 2/3 इज 1 - 2/3 of m1, ऐसा लिख दूं, 1 - 2/3 of m1. यहां तक बात समझ में आती है? तो यानी m1 टाइम्स ऑफ 1 + 2/3 इज 1 - 2/3 विच इज 1/3. तो m1 कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, तो 1/5 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 कट जाएगा, तो m1 की एक वैल्यू तो 1/5 आ गई. और दूसरे केस से बात करूं, जब m1 + 2/3 इज 2/3 of m1 - 1, जब वैल्यू प्लस माइनस वन में मैंने -1 यूज कर लिया, तब की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है. तो
एम वन टाइम्स ऑफ वन माइनस टू बाय थ्री इज वन बाय थ्री, इट इज माइनस ऑफ वन प्लस टू बाय थ्री, तो एम वन विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का फाइव आ जाएगा। एम वन क्या आ जाएगा, माइनस का फाइव आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, वन माइनस टू बाई थ्री इज ये वन बाय थ्री और माइनस फाइव आ जाएगा। तो एज अ रिजल्ट देयर फोर एल टू की इक्वेशन यहाँ पर अलग आएगी, यहाँ पर अलग आएगी, तो एल टू की इक्वेशन क्या बनी, यहाँ से आ जाएगी क्या इक्वेशन आएगी, ये रही इक्वेशन वाई माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन, यहाँ आएगी वाई माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन इज वन डिवाइडेड बाय फाइव, ये वन ऑफ द आंसर है। और इसी तरह इस m के कॉरस्पॉन्डिंग y माइनस टू अपॉन x माइनस वन इज माइनस फाइव, ये भी इस क्वेश्चन का आंसर है। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए बहुत ही बढ़िया, ये दोनों बातें अपने को 100% क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आई एम श्योर सभी बच्चों को क्लियर हो गया। तो लेट अस मूव ऑन टू दी अनदर क्वेश्चन, लेट अस मूव ऑन टू दी अनदर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू माइनस टू कोमा माइनस सेवन एंड making an angle of tan inverse of 3 by 4 with the line 4x plus 3y equal to 3। ये question, एक line की equation निकालनी है जो इस पॉइंट से पास करे और इस लाइन के साथ में एंगल बना रही है टैन इनवर्स 3/4 का। तो ठीक है, आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। एक लाइन की इक्वेशन, पहले जैसा ही सवाल है लेकिन इसमें खास बात है जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। माइनस टू कोमा माइनस सेवन से पास कर रही है और इस लाइन के साथ में ये L2 लाइन है जिसकी इक्वेशन 4x plus 3y equal to 3, ये L1 लाइन जो कि रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है ना। और ये जो एंगल है थीटा बना रही है जिसकी वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 3/4 है, ठीक है, तो सही है। तो क्या करा जाए, इसकी स्लोप m1 मान ली, हमें पता है इक्वेशन L1 की क्या आएगी, y प्लस सेवन अपॉन x प्लस टू इज इक्वल टू m1, ये आएगी। अब m1 निकालने के लिए दोनों के बीच का एंगल दे रखा है, दो लाइंस के बीच का tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 3/4 विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस का m2। अब ये m2 इसका कितना दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 3, है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस चार बाय तीन, तो एम वन प्लस फोर बाय थ्री होल अपॉन वन माइनस का एम वन एम टू, यानी वन प्लस फोर बाय थ्री ऑफ एम वन इसका मॉडुलस, सही। तो प्लस माइनस से ओपन करेंगे, एक बार प्लस वाला यूज करें होगा, तो एम वन प्लस फोर बाय थ्री इज 3/4 टाइम्स ऑफ 3/4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 4 बाय 3 टाइम्स ऑफ m1, यानी m1 प्लस 4 बाय 3 इज 3/4 प्लस m1। अब ध्यान से देखो, इस पार्ट के लिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन कराना जरूरी समझा। यहाँ से m1 से m1 कट जाएगा तो 3/4 के इक्वल, यानी 16 इज इक्वल टू 9 पॉसिबल है क्या कभी, नॉट एट ऑल। जब भी ऐसा रिलेशन आ रहा हो इसका मतलब होता है वन ऑफ द m इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, m इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, क्योंकि यार वो इन्फिनिटी के अंदर में हम कुछ भी ऐड करेंगे 4/3 या 3/4 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों वैल्यू तब भी बराबर होंगी, इसीलिए एक
रिजल्ट ऐसा आया है जो हमें पता है सही वैल्यू नहीं होती है. यू गेटिंग पॉइंट? तो वन ऑफ द वैल्यू विल बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी और दूसरा एम वन प्लस फोर बाय थ्री इज माइनस थ्री बाय फोर माइनस का एम वन. जब आप माइनस का फोर थ्री बाय फोर यूज करेंगे वैल्यू, ठीक है ना, तो यहाँ से टू एम वन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री बाय फोर प्लस फोर बाय थ्री. यहाँ से तो आपके पास वैल्यू आ ही जाएगी एम वन की, ये तो वैल्यू आप निकाल ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना. एक वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, एक वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, तो कहने का मतलब जो आंसर आएगा आपका, यहाँ से आप निकालना चाहें निकाल दो, 9 + 16 = 25, तो 2m1 विल बी इक्वल टू माइनस का 25/12, यानी m1 की वैल्यू माइनस का 25/24 हो जाएगी. m1 की वैल्यू ये आ जाएगी, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा l1 की वैल्यू आएगी, वो क्या क्या आएंगी, y + 7/x + 2, एक आ जाएगा इन्फिनिटी यानी 1/0 लिख दें, यानी x + 2 = 0, दिस इज वन ऑफ द आंसर, दिस इज आंसर नंबर वन. एंड अनदर विल बी y + 7/x + 2 विल बी इक्वल टू -25/24, -25/24, ये भी आपका आंसर ही है, दिस इज आंसर नंबर टू. आई एम श्योर ये दोनों क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गए, राइट, ये क्लियर हो गई बात. चलते हैं दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट दी अनदर क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन क्या है, आराम से सुने. लेट अस से एक ट्रायंगल दिया हुआ, अगेन यहां से काफी लर्निंग मिलेगी इस क्वेश्चन से आप लोगों को. ए का कोऑर्डिनेट है 1, -2, ठीक, और बी और सी का कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है. आई एम रिपीटिंग, बी और सी का कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, ठीक है. अब ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है. ये जो लाइन L1 है, दिस इज दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, एंड ये जो लाइन L2 है, दिस इज दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, ठीक है ना. डायग्राम से ही बातें सारी की सारी क्लियर हो रही है. ओके, L1 की इक्वेशन दे रखी है, वो है x - y + 5 = 0, x - y + 5 = 0, और L2 की इक्वेशन दे रखी है x + 2y = 0, x + 2y = 0. L1 लाइन की इक्वेशन पता है, L2 लाइन की इक्वेशन पता है, मैंने बता दिया L1 L2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB और AC रिस्पेक्टिवली के, A वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता है. सवाल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ BC, BC की इक्वेशन निकालनी है, दिस इज द क्वेश्चन. समझ आई बात ही यहां तक, देयर इज नो कंफ्यूजन ऑन दिस पार्ट. ओके, तो सोचो BC की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करा जाए. BC की इक्वेशन निकालने के लिए एक काम करते हैं, क्या करते हैं, ध्यान से सुनो. BC की इक्वेशन निकालने के लिए लेट अस एज्यूम द कोऑर्डिनेट ऑफ B एज x1, y1 एंड C एज x2, y2. B और C का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया, ठीक है. चलो, अगर मेरे पास B का और C का कोऑर्डिनेट आ जाएगा निकल के, तो मैं BC की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, है ना, क्योंकि एक लाइन की इक्वेशन के लिए दो बातें चाहिए होती हैं, एक पॉइंट एक स्लोप या दो पॉइंट एक लाइन पर लाई करने वाले, ठीक है. और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पॉइंट होगा ये O होगा, यानी सरकम सेंटर होगा, क्योंकि विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, राइट. तो BC की इक्वेशन कैसे निकालें, अब आराम से सुनिए मेरी बात. मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप लोग अप्रोच समझा दे रहा हूँ.
बी का कोऑर्डिनेट जैसे निकालेंगे सेम तरीके से सी का कोऑर्डिनेट भी निकलेगा। अब लेट अस टॉक अबाउट बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। लेट मी से ये जो पॉइंट है ये हमने एम मान लिया, क्या मैं लिख सकता हूँ एम का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स वन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू और वाई वन माइनस का टू डिवाइडेड बाय टू होगा है ना, मिड पॉइंट है क्योंकि ए बी का। अब जो एम पॉइंट है इट लाइज ऑन एल वन इक्वल टू जीरो, यानी उसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स वन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू माइनस ऑफ वाई वन माइनस टू डिवाइडेड बाय टू प्लस का फाइव इक्वल टू जीरो। ये एक रिलेशन आ गया एक्स वन और वाई वन के अंदर में। अगर एक और आ जाए तो बन जाएगी बात, तो एक और कैसे आएगा, बिल्कुल आएगा, ध्यान से देखें, स्लोप ऑफ एल वन लाइन इंटू स्लोप ऑफ ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर की तो कंडीशन हो गई यूज, अब परपेंडिकुलर है ये भी लिख सकता हूँ मैं। अब एम ऑफ एल वन, एल वन की स्लोप क्या है, वन है ना, वन। ए बी की स्लोप कितनी है, ए बी की स्लोप है वाई वन प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस वन, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस वन के इक्वल। यानी आपके पास दो रिलेशन आ गए, दो इक्वेशन, दो अनोन, ये वन है और ये लेटेस्ट से टू है। इन दोनों को सॉल्व करोगे वी विल गेट दी, वी गेट दी कोऑर्डिनेट ऑफ बी। जैसे बी आ जाएगा ऐसे सी आ जाएगा, और बी सी आ गया फिर बी सी की जो इक्वेशन है, इक्वेशन कैसे आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ बी सी वो आ जाएगी टू पॉइंट फॉर्म से, वाई माइनस का वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये आपके पास फाइनली इस तरीके से आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर आप सब लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे अब, राइट। आई एम श्योर यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, आओ जरा, सिंपल सा क्वेश्चन एक ध्यान से देखो। मान लो एक पैरेललोग्राम दे दिया मैंने, देयर इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी, ठीक। मैं आप सबको क्वेश्चन कराने से पहले एक तरीका बता दूं। मान लो ये इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, ये दे रखा है y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी टू, ये दे रखी है इक्वेशन y इक्वल टू एम टू एक्स प्लस डी वन, और ये दे रखी है y इक्वल टू एम टू एक्स प्लस डी टू। ये पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया मैंने ऑलरेडी थ्योरी की वीडियो बनाई है, उसके अंदर में बताया हुआ है इसका एरिया। रादर देन फाइंडिंग द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स एंड एडिंग देम एंड ट्राइंगल्स के एरिया निकालने के लिए कोऑर्डिनेट्स निकालने ए बी सी डी के अलग अलग से, आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ सी वन माइनस सी टू इंटू डी वन माइनस डी टू डिवाइडेड बाय एम वन माइनस एम टू। यानी याद करने का तरीका, डिफरेंस ऑफ द कॉन्स्टेंट्स का मल्टीप्लीकेशन। ध्यान से देखो, सी वन सी टू, चाहे सी वन में से सी टू या सी टू में से सी वन कोई भी माइनस कर दो, और डी वन माइनस डी टू या डी टू माइनस डी वन, इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ द स्लोप्स, ये आपके पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आ जाएगा, राइट। तो इसके बेस पे अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, तो क्वेश्चन मान लो मैंने लिख दिया एक पैरेललोग्राम,